एक व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसका बूढ़ा शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उसकी आंखों की ज्योति लगभग जा चुकी थी और शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। एक लड़का रोज उस भिखारी को देखता। उसे देखकर लड़के के मन में घृणा और दया के भाव एक साथ आते थे। वह सोचता, इसके जीने का क्या फायदा, जीवन से इसे इतना लगाव क्यों है, ईश्वर इसे मुक्ति क्यों नहीं दे देते। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो वह भिखारी के पास जाकर बोला, बाबा तुम्हारी इतनी बुरी हालत है फिर भी तुम जीना चाहते हो और भीख मांगते हो, तुम ईश्वर से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें इस नर्क के जीवन से मुक्त कर दे। इस पर भिखारी कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, बेटा जो तुम कह रहे हो वही बात मेरे मन में भी उठती है। मैं ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ पर वह मेरी सुनता ही नहीं। शायद वह चाहता है कि मैं इसी धरती पर बना रहूँ ताकि दुनिया वाले मुझे देखें और समझें कि एक दिन मैं उन्हीं की तरह था, लेकिन कभी वह दिन भी आ सकता है जब किसी कारणवश वे भी मेरी तरह हो जाए। इसलिए किसी को भी अपने ऊपर किसी तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए। इंसान की जिंदगी में सब दिन एक जैसे नहीं रह सकते। युवक भिखारी के शब्दों में छिपी बातों के मर्म को समझ गया। उसे लगा भिखारी ने उसकी आंखें खोल दी। इसके बाद जीवन भर उसने कभी किसी के जीवन को छोटा समझने की गलती नहीं की।